गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटे, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.10 को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसके 1 to 10 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 11 क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, मिस्टेक देखनी है और इसको करेक्ट करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए, आपका 11 क्वेश्चन है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 9। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ये कैसा आंसर है, रॉन्ग। तो आपको इसे करेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेक्ट करेंगे। आपको आइडेंटिटी पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास a की जगह y है, आप b की जगह आपके पास 3 है, तो आप करेंगे y स्क्वायर माइनस 2 into ab यानी y into 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सो y स्क्वायर 2 3 6y 3 3 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, z प्लस 5 का होल स्क्वायर। z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25। तो ये आंसर रॉन्ग है। अब करेक्ट आंसर क्या होगा, वी हैव आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह आपके पास z है और b की जगह आपके पास 5 है। सो z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 2z इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। z स्क्वायर 2 5 जा 10z 5 5 जा 25। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये जो आपको गिवन है ये रॉन्ग है। सिमिलरली 13 क्वेश्चन देखिए बेटे, 13 क्वेश्चन में आपको ये दिया है और ये आंसर दिया है, तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। देखिए जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ और मिलेगा। पहले इस 2a से a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3b से a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबको आती है मल्टीप्लाई करने, फिर भी देख लीजिए, 2 1 जा 2, a और a की मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, a और b की मल्टीप्लिकेशन ए बी प्लस 3 1 जा 3, b और a की मल्टीप्लिकेशन ए बी प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, b एंड b का मल्टीप्लिकेशन होगा बी स्क्वायर। सो 2a स्क्वायर ऐसे 3ab में से माइनस का 2ab जाएगा तो प्लस का ab बचेगा एंड माइनस बी स्क्वायर। सो ये जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2 इसका टू ए स्क्वायर प्लस 8। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। देखिए करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, a प्लस 4 a प्लस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 से भी a प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस फर्स्ट टर्म से इस पूरे को करेंगे और इस सेकेंड टर्म से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे। a और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल हो तो पावर ऐड हो जाती है। 2 और a का मल्टीप्लिकेशन होगा 2a, 4 और a का मल्टीप्लिकेशन होगा 4a प्लस 4 2 जा 8। ए स्क्वायर ऐसे 6 4 प्लस 2 इज 6a एंड 8 ऐसे। तो आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8, दैट विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, a माइनस 4 a माइनस 2 आंसर इज गिवन a स्क्वायर माइनस 8। ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। अब देखिए करेक्ट आंसर कैसे निकलेगा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए से ए माइनस टू को मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस फोर से भी इस ए माइनस टू को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ए और ए का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए और टू का मल्टीप्लिकेशन माइनस टू ए, फोर ए जा फोर ए प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, फोर टू जा एट। ठीक है, आप ए स्क्वायर ऐसे माइनस टू और माइनस फोर वो जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस सिक्स ए एंड प्लस एट ऐसे। सो करेक्ट आंसर विल बी ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस एट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आएगा, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब देखिए करेक्ट आंसर कैसे निकलेगा, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री थ्री कैंसिल, डिवीजन में वेरिएबल की पावर माइनस हो जाती है तो एक्स की पावर टू माइनस टू यानी एक्स की पावर जीरो, सो आंसर क्या आएगा वन। ऊपर नीचे डिवाइड में जब हम काटते हैं तो आंसर जीरो नहीं वन आता है, सो करेक्ट आंसर होगा आपका वन। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर इसको टू वन प्लस वन इज टू, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, आप देखिए करेक्ट आंसर आप कैसे निकालेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर, तो इस थ्री एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, इसे कट करेंगे तो वन मिलेगा बट ये मिलेगा वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, सो दैट विल बी आ करेक्ट आंसर। ठीक, अब आपका क्वेश्चन है थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन बाई टू, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अगर थ्री एक्स को थ्री एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड से नहीं हो पाएगा, यही आपका आंसर होगा। नाइनटीन क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर है बेटे, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन है थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन फोर एक्स, ये भी रॉन्ग आंसर है। अगर आप 3 को 4x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4x प्लस 5 अपॉन 4x इज इक्वल टू 5, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब देखिए करेक्ट आंसर कैसे निकलेगा, 4x प्लस 5 को जब आप 4x से डिवाइड करेंगे तो 4x को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, 4x अपॉन 4x तो कट के 1 आ जाएगा प्लस 5 अपॉन 4x, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 7x प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7x, ये भी रॉन्ग आंसर है। आप करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे देखिए, अभी निकाल के दिखाते हैं आपको, 7x प्लस 5 अपॉन 5 इस 5 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे तो ये तो आ जाएगा 7x अपॉन 5 और 5 5 कैंसिल होके क्या आ गया 1, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है,